On Thursday, Chief Minister Dr. Mohan Yadav and BJP State President V.D. Sharma addressed a press conference at the Khushabau Thackeray Auditorium to mark the completion of 1 year of the BJP government in Madhya Pradesh. Chief Minister Yadav outlined the government's key accomplishments and emphasized the progress made towards realizing former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's vision of river linking. स्कूल एजुकेशन, हाँ मैं, आपने प्रश्न अच्छा किया। स्कूल एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन नहीं, हमने ये आयुष डिपार्टमेंट से जोड़ करके जो नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये जो स्क्रीनिंग होना है भविष्य में कि केवल हम अपने बेरोजगार बच्चे बनाते जाए, उनको ट्वेल्थ पास करके कॉलेज तक पहुंचाते जाए, इसके बजाय क्रिप्स से टेक्निकल यूनिवर्सिटी ला करके समान रूप से औद्योगिकरण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, और ये जो स्किल युवा तैयार कर रहे हैं जो हमारी प्राइमरी के बाद ही अलग अलग रुचि के हिसाब से अपने ढंग की लोग अपनी। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को आज एक वर्ष पूरा होने गया और उसी को लेकर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता की है और अपनी बातें भी सुना। आपको हम बात करेंगे, आज वरिष्ठ हमारे साथ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये इसको किस तरह से मायने में देखते हैं। जी, आपका हॉर्नबिल टीवी में पहले तो स्वागत है। और आज वर्तमान में जो है सरकार को एक वर्ष पूरा होने गया है, मोहन यादव ने काफी सारी बातें बताई, आप इसको किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, ये जो एक वर्ष मोहन यादव जी का हुआ है, उन्होंने दोनों प्रकार के काम किए हैं। तात्कालिक सुविधा सहायता लोगों को मिले, वो भी काम किए हैं, और उनके चार पांच काम ऐसे हैं जो उनका रिजल्ट आज भले ना दिख रहा हो, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में उनका रिजल्ट दिखेगा। जिसमें खासतौर से अगर आप देखें तो वो जो नदी जोड़ो परियोजना उन्होंने लागू की है और उसमें तेजी से काम शुरू किया है, ये देश में मध्य प्रदेश पहला तो इससे बन ही गया है, लेकिन इससे 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लाभ मिलेगा, गाँव में पानी जाएगा, और धरती का जो वाटर लेवल है इसके पूरा हो जाने से धरती का वाटर लेवल सुधरेगा। ये एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दूसरा, जो रीजनल इन्वेस्टर्स मीट है, उससे कहीं ना कहीं जो लोकल का उत्पाद है, उस लोकल के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्केट मिलेगा, और गांव से और क्षेत्रों से भीड़ आती है भोपाल में, जैसे नर्मदापुरम से या विदिशा से लोग आ गए कि यहाँ आकर के नौकरी करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं लोकल में रोजगार मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भरता इससे स्वाभाविक बढ़ेगी, ये निर्णय भी बहुत अच्छा है। तीसरा, उनका एक अच्छा निर्णय है जो उन्होंने भर्ती का कैलेंडर, युवाओं को भर्ती का कैलेंडर जारी किया है, ये देश में पहली सरकार है। आमतौर पर कई बार डिपार्टमेंट्स में जगह निकल भी जाती थी तब भी परमिशन लेने में टाइम लगता था, फिर वित्त विभाग में फाइल पड़ी रहती थी। इस कैलेंडर के माध्यम से निर्धारित तिथि में ही सारी भर्तियां हुई, ये निर्णय उनका बहुत अच्छा है। एक किसानों के हित में जो उनका निर्णय उन्होंने लिया है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा, तो इसमें ये पटवारी के चक्कर लगाना, आप ऑनलाइन घर बैठे भी आप अपने खेत की नकल निकाल सकते हैं, तो ये पटवारी के चक्कर लगाना बंद होगा, तो निश्चित रूप से ये निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। ये थे आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया कि सरकार के जो निर्णय है वह दूरगामी बहुत अच्छे होंगे और इनको देखने के साथ साथ लगातार अच्छे कार्य उनके होते रहे हैं, क्योंकि दूरदृष्टि देखकर नेता का कार्य करना यह बड़ी बात कहती है। हॉर्नबिल टीवी के लिए भोपाल से अमित शर्मा।